कर लेंगे, वो शायद मैंने आपको नहीं लिखा, यहाँ पे हम कर देंगे हॉर्स, कि जो हाजिरियाँ आपकी लगी हैं उनके कितने घंटे बनते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, उनके कितने घंटे बनते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर चीज़ें सिखा देता हूँ, जैसे ये कुछ चीज़ें जो है वो डबल में आ रही हैं, तो हमारा ये कॉलम जो है वो लंबा हो रहा है। अगर मैं इस कॉलम को मज़ीद छोटा करना चाहूँ, जैसे बेसिक सैलरी है, और मैं इसको यहाँ पर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके जितने भी मेरे जो है वो सेल्स होंगे, मैं वहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें, एक चीज़ आपके सामने आ रही है, रेप टेक्स्ट। क्या कहते हैं इसको? रेप टेक्स्ट कहते हैं इसको। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये जो डबल लाइन आ जाएगी, इसमें क्या होगा, डबल लाइन आ जाएगी। इससे ये होगा कि आप जो है वो ज़्यादा लंबे, आपके जो है वो लेंथी नहीं होंगे ये सेल्स। अगर सेल बड़े होते जाएंगे तो शीट और बढ़ती जाएगी। आवर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए जी डिडक्टेड आवर्स, क्या डिडक्टेड आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए जी टोटल, सॉरी, टोटल रिमेनिंग आवर्स कितने बच गए। टोटल सैलरी अकॉर्डिंग टू क्या आवर्स, ठीक है। उसके बाद है क्या, ग्रॉस ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम की कितने घंटे आपने ओवर टाइम किया है, ठीक है। ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। अब आएगी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद क्या आएगा, रिसीव्ड, रिसीव्ड एडवांस, डिडक्टेड एडवांस, एंड नेट पेमेंट, या नेट सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए सबसे पहले सैलरी शीट बन गई। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको सैलरी शीट तकरीबन नज़र आ जाए। इसको भी मैं और जो है वो बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, ताकि ये हमारी पूरी जो है वो सैलरी शीट को कवर कर ले। अब यहाँ पे देखें सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, मैं नेम कोई डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर अली। एम्प्लॉय नंबर 2233569, कुछ भी डाल सकते हैं मिसाल के तौर पर। डेजिग्नेशन आप रख लें जी, एडमिन मैनेजर, क्या एडमिन मैनेजर रख लिया हमने इसको, ठीक है। अब एक मैनेजर की सैलरी आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी होगी, उस हिसाब से हम इसकी निकालेंगे सैलरी। कितनी सैलरी होगी सर? 45,000। चलें जी 45,000 इसकी बेसिक सैलरी हम रख देते हैं। हम कम पे भी आएंगे, फिलहाल सिर्फ हम समझ लें कि ये क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब 45 अगर उसकी महीने की सैलरी है 30 दिन की, तो एक दिन की क्या बनेगी, हमने फार्मूले से यहाँ लाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, डेली वेजेस पर खड़े होके इक्वल प्रेस करूँगा, क्या करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा। अगर कहते हैं तो मैं इसको बड़ा कर दूँ, नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे जाऊँगा, इक्वल प्रेस करूँगा, और मैं आ जाऊंगा बेसिक सैलरी में। किस में आ जाऊंगा, बेसिक सैलरी को क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 30
30 डेज, क्योंकि हम डेली वेज निकाल रहे हैं, तो पर डे क्या सैलरी आ गई, 1500 रुपये। ठीक है, अब एक घंटे में कितनी सैलरी ले रहा है वो, अगर 1500 दिन के उड़ा रहा है तो एक घंटे की सैलरी कितनी बन रही है, क्या करेंगे हम इसको, इक्वल डेली वेजेस। अब हम डिवाइड किसको करेंगे, डेली वेजेस को डिवाइड करेंगे घंटों में, कितने घंटों में, 8 घंटों में, क्योंकि नॉर्मल जो है वो 8 घंटे, एक घंटे का वो कितना ले रहा है, 187 रुपये 50 पैसे, 5 पैसे नहीं, 50 पैसे जी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब महीने के 30 दिन हैं, वो 30 दिन पूरे आया है, पहले हम बिल्कुल नॉर्मल सैलरी निकालेंगे ताकि वो आपकी चीज़ में समझ आ जाए, फिर हम उसमें चेंजिंग करते जाएंगे ताकि आपको समझ आए चीज़ें। 30 दिन वो आया है, 30 दिन के कितने घंटे बनते हैं, इक्वल अटेंडेंस मल्टीप्लाई बाय 8, कितने बन गए, 240। अब वो बेचारा क्या है, दो बार, दो चार दिन हफ्ते में ऐसे हुआ कि वो लेट चला गया और घंटे